हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो वीडियो है वो है मिंत्रा लहंगा रिव्यू के बारे में। और गाइस, ये जो लहंगा है ये ग्रीन कलर का आता है सेमी स्टिच कंडीशन में, तो आप इसे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अल्टर करवा सकते हैं। और ये जो लहंगा है इसका मैं ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। गाइस, इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोस मिंत्रा लहंगा रिव्यू के शेयर किए हैं जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं। और ये सभी जो लहंगे हैं काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं और 2000 के अंडर शायद ये सभी आते हैं जो मैंने पहले शेयर किए हैं। और उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, सो यू कैन चेक देयर। और गाइस, ये जो वीडियो है अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो जो ये लहंगा है ये आता है इस टाइप के जो बैग है, ये जिपलॉक बैग है, इसमें आता है। और ये मैं ओपन करके दिखाती हूँ, ये आता है सेमी स्टिच्ड कंडीशन में। और ये देखिए, बोटल ग्रीन कलर का है और इसका जो कलर है स्पेशली मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, सो आई बॉट दिस वन। और ये आता है इस टाइप से, ये सेमी स्टिच कंडीशन में आता है। और इसका जो वर्क है वो है सिक्विन में आता है, इसका फुल ये जो गोल्डन कलर के इसके ये सिक्विन में वर्क है। और जो नीचे है इसका जो ये फ्लेयर, इस पर ये इस टाइप का वर्क आता है। और पहनने के बाद गाइज, ये लहंगा है वो काफ़ी अच्छा पार्टीवियर लुक देता है और काफ़ी नीटली किया हुआ है इसमें ये सिक्विन का वर्क, और काफ़ी फ्लेयर्ड है। और इसमें ये अंदर से इसमें ये सिल्क का एक इनर भी दिया हुआ है। सो दिस इज़ द लहंगा। और एक जो है इसमें इसका जो फ्लेयर है वो काफ़ी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस टाइप से काफ़ी फ्लेयर्ड है ये लहंगा, ये देखिए काफ़ी फ्लेयर्ड लहंगा है। और अगर आप ज़्यादा फ्लेयर चाहते हैं तो आप इसके नीचे जो कनकन है वो आई थिंक कनकन नहीं आती है, तो आप इसके नीचे कैनकन स्कर्ट भी डाल सकते हैं या फिर इसके नीचे कैनकन आप अटैच भी करवा सकते हैं टेलर से। सो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। और साइड में इस टाइप से आप जिप भी लगवा सकते हैं, मैंने अल्टर करवा लिया है सो ये जिप लगवा लिया है। और साइड में मैंने ये इस टाइप की टैसल्स भी लगवा लिए हैं। सो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी लगती है लहंगों के साथ। सो दिस इज़ द लहंगा। और इसका जो मटेरियल है नेट का वो काफ़ी फाइन क्वालिटी का है। और जो एक चीज़ मुझे इसमें लगी लहंगे में वो ये है कि इसमें कैनकन नहीं है, अगर ये कैनकन के साथ आता तो काफ़ी अच्छा लुक देता ये लहंगा, सो आई थिंक इसमें कैनकन की ज़रूरत थी। नेक्स्ट वन इज़ दिस ब्लाउज, और ब्लाउज इसका जो है वो आता है इस टाइप से सिक्विन में। और ये मैंने अनस्टिच कंडीशन में आता है, ये मैंने स्टिच करवा लिया है और ये इस टाइप से मैंने स्टिच करवाया है बैकअप में। और इसकी जो क्वालिटी है सिक्विन की ब्लाउज की मटेरियल की, ये भी काफ़ी अच्छी है यू कैन सी। और ये जो ब्लाउज है ये आप और जैसे साड़ी वगैरह या फिर आपके जो लहंगे हैं उसके साथ भी आप ये कैरी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ब्लाउज, और ब्लाउज की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी नेट की। और इनर है वो आई थिंक इसके साथ ही आया था इनर। सो दिस इज़ द ब्लाउज। एंड जो इसका दुपट्टा है वो आता है इस टाइप से, लेस लगी हुई है इसमें दुपट्टे में, चारों तरफ इस टाइप से लेस है। और फुली इसमें ये सिक्विन का वर्क है पूरे ऑल ओवर इस दुपट्टे में। सो दिस इज़ द दुपट्टा। और मैंने इसको थोड़ा सा और हैवी लुक देने के लिए इस टाइप की लेस लगवा ली है। ये देखिए, मेरे पास लेस रखी हुई थी सो मैंने दोनों तरफ ये इस टाइप की लेस लगवा ली है, जिससे इसका लुक जो है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, बिकॉज दुपट्टा थोड़ा सिंपल लग रहा था मुझे, इसकी जो लेस है वो इतना थी ये पतली सी, सो मैंने इस टाइप से लेस लगवा ली है। ये देखिए, इस टाइप से काफ़ी अच्छा लगता है पहनने के बाद। और इसको अगर गोल्डन कलर की ज्वेलरी के साथ और मेकअप के साथ और अच्छी सी हेयर स्टाइल के साथ अगर इसको कैरी करो तो ये लहंगा काफ़ी अच्छा पार्टी वेयर लुक देता है। और ये जो लहंगा है ये मुझे मिला था 5400 रुपी का। और मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ आपको कि ये जो लहंगा है इसमें कैनकन का जो है वो इशू है, अगर कैनकन होती तो ये लहंगा काफ़ी अच्छा लगता, बट रेट वाइज इसकी जो क्वालिटी इज़ ओके, बट इसका जो मटेरियल है वो भी ठीक है।
मे बी इससे नीचे रेंज में भी आपको इससे अच्छे लहंगे मिल सकते हैं, बट अब मैंने ले लिया तो आई थॉट कि मुझे अपने रिव्यू शेयर करना चाहिए, सो यू कैन चेक दिस वन। बट इसका जो रेट है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा क्वालिटी के अकॉर्डिंग, सो आई दिस इज द लहंगा। गाइज अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।